इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, उनकी योग्यताएं क्या क्या होती है, इनकी जो भी कार्य होता है वो कैसे होता है, उनको कैसे निष्कासित किया जा सकता है, इन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा मैं बता दूं कि राष्ट्रपति के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिन बच्चों ने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, जाके आप वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो निर्वाचन जैसे एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, वैसे इनका भी निर्वाचन होता है। तो देखिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत से तथा गुप्त मतदान के द्वारा होता है। अब बात कीजिए यहाँ पे एकल संक्रमणी मत पद्धति, ये क्या होती है, मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिन बच्चों ने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप जाके उसको भी देख सकते हैं। तो आखिर यहाँ पे एकल संक्रमणी मत पद्धति, इसमें मैं थोड़ा सा शॉर्ट में डेफिनेशन बता देता हूँ। एकल संक्रमणी मत पद्धति में क्या होता है कि सभी के सभी जो लोग हैं वो वोट डालेंगे, ठीक है, और यहाँ पे वरीयता के अनुसार इनके इनको चुना जाएगा। वरीयता क्या होती है, एक तरीके से रेटिंग के अनुसार इनको देखा जाएगा कि पहले नंबर पे कितने लोग हैं जो इनको चाहते हैं। ठीक है, कैंडिडेट इसमें सारे खड़े होते हैं उपराष्ट्रपति के पद पे, और जो भी लोकसभा राज्यसभा के जो भी सदस्य होते हैं वो जाके वोट डालते हैं। और ये याद रखिएगा, जो वोट होता है ये गुप्त मतदान के द्वारा होता है। ठीक है, और एकल संक्रमणी मत पद्धति क्या होती है ये जाके आप जरूर देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या क्या देख लिया, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणी मत पद्धति के अनुसार गुप्त मतदान के द्वारा होता है। चीज समझ में आ गई, ठीक है, इसमें संसद के दोनों सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों होते हैं। योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे एक चीज आप देखिए, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति, लोकसभा के लिए एज कितनी चाहिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए कितने चाहिए 30 वर्ष, और राष्ट्रपति के लिए कितनी चाहिए 35 वर्ष। इसके अलावा अगर वाइस प्रेसिडेंट के बारे में अगर बात करें, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में अगर बात करें तो इसमें भी क्या है कि एज कितनी चाहिए 35 वर्ष चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो भी हुई, और उपराष्ट्रपति के बारे में बात करें तो भी मिनिमम जो एज होनी चाहिए 35 वर्ष होनी चाहिए। तो योग्यता क्या होनी चाहिए यहाँ पे, वो भारत का नागरिक हो। दूसरा क्या, आयु वो जो है 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो। इसके अलावा वो राज्यसभा के सदस्य चुनने की योग्यता रख रही हो। कहने का मतलब यह है कि उतनी तो योग्यता होनी चाहिए जितना कि एक राज्यसभा के एक सदस्य की होती है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति के बारे में अगर बात करें, राष्ट्रपति के बारे में तो लोकसभा के सदस्य की जो एबिलिटी होती है, जो योग्यता होती है वो चाहिए होती है। अगर उपराष्ट्रपति के बारे में बात करें तो राज्यसभा के जो एक सदस्य की योग्यता होती है उतनी तो योग्यता चाहिए इसी है। तो हमें क्या समझ में आया, योग्यता के बारे में वो भारत का नागरिक हो, दूसरा उसकी आयु क्या होनी चाहिए 35 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए, और आगे कि वह राज्यसभा का सदस्य चुनने की योग्यता रखता हो। नेक्स्ट बात करते हैं इनका कार्यकाल। ठीक है, कार्यकाल मतलब कितने टाइम तक रहते हैं, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, किंतु वह स्वेच्छा से त्याग पत्र द्वारा इस अवधि के पूर्व भी अपना पद छोड़ सकते हैं। अगर उनकी इच्छा है कि वो 5 साल से पहले भी छोड़ना चाहें तो वो छोड़ सकते हैं, अथवा एक प्रोसेस ये है कि अगर उपराष्ट्रपति को पद से निष्कासित करना है तो क्या है, राज्यसभा के कुल बहुमत द्वारा पास किए प्रस्ताव से जिसे लोकसभा की स्वीकृति कर ले, और फिर क्या होता है इनको हटाया जा सकता है। कहने का मतलब है अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो आपको क्या चाहिए, आपको बहुमत चाहिए राज्यसभा में, और साथ ही साथ लोकसभा से स्वीकृति भी चाहिए, और उसके बाद इनको निकाला जा सकता है। अगर उपराष्ट्रपति के कार्यों की अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति राज्य का पदेन सभापति होते हैं, यानी कि जो लीडर एक तरीके से समझ सकते हो आप कि उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का एक प्रकार का लीडर होता है जो सभी चीज को हैंडल करता है। और यदि कभी राष्ट्रपति रोग अथवा अनुपस्थिति के कारण अस्थायी रूप से अपने कार्यों को पूरा करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति ही उसके स्थान पर कार्य करता है। अगर कभी राष्ट्रपति ऐसा हो जाए कि वो बीमार हो या फिर वो नहीं आ पा रहा हो, ठीक है, कार्य करने के लिए, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो उपराष्ट्रपति होता है राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है। आई बस समझ में, तो कार्यकाल हमें समझ में आ गया और उपराष्ट्रपति के कार्य समझ में आ गए। अब यहाँ पे बात कर देते हैं कि वो भारत के पहले जो उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे, तो भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन
थे, ठीक है। और ये ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने दो बार उपराष्ट्रपति के पद पर रहे, यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा है सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति के तौर पर 1952 में इनको चुना गया था और ये दो बार जीते थे और 1962 तक ये रहे थे, यानी कि दो कार्यकाल पूरे किए थे। इसके बाद क्या होता है, 1962 से 67 तक इन्होंने दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर देश की कमान संभाली, यानी कहने का मतलब है कि ये दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर भी चुने गए। पहले क्या थे, उपराष्ट्रपति, फिर क्या चुने गए, राष्ट्रपति चुने गए। अच्छा, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन, राजेंद्र प्रसाद हो गए। दूसरे राष्ट्रपति कौन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, चीजें समझ में आ रही है। आगे बात करते हैं, अगर प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें तो वर्तमान के उपराष्ट्रपति, तो ये जो वेंकैया नायडू जो है ये 13वें उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान के, आई बात समझ में। तो ये लिखा है वेंकैया नायडू भारत के 13वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं जो कि 11 अगस्त 2017 को उपराष्ट्रपति बने थे। चीजें समझ में आ रही है। अब आप लोग के लिए पहला क्वेश्चन कि जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है इनके याद में कौन सा दिवस मनाया जाता है, आप लोग के लिए क्वेश्चन है। डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए और बताइए कि इनके याद में कौन सा दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा जो मैंने दो चीज बताया आपको, पहला चीज तो एक राष्ट्रपति के बारे में जाके देख ले, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरी चीज ये कि एकल संक्रमणीय पद्धति क्या होती है, ये भी आप समझ लें ताकि चीज बिल्कुल ही क्लियर हो जाए, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगी है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।